जो जिज्ञासा व्यक्त की गई है कि बद्ध जीव क्या शुरू से ही बद्ध होता है और नित्य जीव क्या शुरू से ही नित्य जीव होता है, उस विषय में जानकारी दी जा रही है, उसे बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, एक निराकार उपासना होती है, एक साकार उपासना होती है। साकार उपासना में विषयी, साधक और सिद्ध, ये तीन श्रेणी के जीव होते हैं, और निराकार उपासना में बद्ध, मुमुक्ष और मुक्त होते हैं। अब नित्य जीव कहाँ से आया, उस विषय में भी मैं बताऊंगा। ये विशेष बहुत गहरा विषय, इसलिए इसमें समझने के लिए बड़ी सावधानी से श्रवण करना आवश्यक होता है। तो अब इन दोनों का भेद समाप्त करते हुए मैं पारिभाषिक शब्दों को तुलनात्मक रूप में बताना चाहता हूँ। जैसे बद्ध जीव जिसको कहा जाता है, उसी को विषयी जीव कहा जाता है। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग भेद बखाने, ये तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि तीन प्रकार के जीव होते हैं, विषयी, साधक, सिद्ध। तो बद्ध कौन होता है? जो विषयी है वही बद्ध है। बद्ध का तात्पर्य हुआ जो सदा बंधा हुआ है, अर्थात प्रकृति के बंधन में, कर्म के बंधन में बंधा हुआ है, उसको रजोगुण और तमोगुण, मुख्य रूप से तमोगुण और कुछ रजोगुण घेरे रहता है। सत्वगुण उसके अंदर आने नहीं पाता है, तो जो सत्वगुण के अभाव के कारण उसको ज्ञान नहीं हो पाता है। ये ज्ञान उसको कभी नहीं होता है कि हम बंधे हुए हैं और हमको बंधन मुक्त होने के लिए कुछ करना चाहिए, साधना करनी चाहिए या कुछ करना चाहिए। तो उसको ये विवेक ही नहीं होता है कि हम बंधा हुआ है। जब अपने को बंधा हुआ मानता नहीं और जबकि बंधा हुआ है, तो इसलिए वो साधना नहीं करता, वो बद्ध जीव। ये जो बात कही गई कि क्या शुरू से ही होता है, तो वास्तव में ब्रह्म सृष्टि जिम अचल अनादि, ब्रह्मा की सृष्टि अचल है और अनादि है। अनादि का तात्पर्य क्या हुआ होता है? जिसका आदि नहीं है, बिगिनिंग लेस, मतलब जिसकी बिगिनिंग ही नहीं बताई जा सकती, उसको अनादि कहा जाता है। तो ये जीव शुरू से शब्द जो है वो सही नहीं होगा, अनादिकाल से ऐसा कहा जा सकता है। अनादिकाल से जीव बद्ध है, तमोगुण और रजोगुण के भयंकर बंधन में बंधा हुआ, सत्वगुण उसमें प्रवेश नहीं करता, इसलिए वो कोई साधना करने की बात सोचता ही नहीं, करता ही नहीं। अब यदि कभी मनुष्य का शरीर उसको मिल जाए और भगवत कृपा से कोई अच्छा संग मिल जाए, तो उसको ये महसूस होता है कि वो बद्ध है, बंधा हुआ है। तो कुछ कुछ उसके अंदर जागृति होती तो साधना करने को सोचता है, और ये विचार आता है कि मारी मैं बंधा हुआ था और मुझे मुक्त होना चाहिए, तो उसको मुमुक्षु कहा जाता है। मुमुक्षु बद्ध जो है बाद में मुमुक्ष हो जाता है। और यदि सगुण उपासना के हिसाब से बोला जाए तो विषयी था, वो साधक हो जाता है। अब वो साधक हो गया अथवा मुमुक्षु हो गया, अब वो यदि उसको बहुत ही सुंदर परिवेश मिले, संग मिले, साधना बहुत अच्छी हो, गुरु कृपा, भगवत कृपा मिले, उसकी आत्म कृपा अर्थात स्वयं की भी कृपा, स्वयं का भी पुरुषार्थ हो, तो वही साधक जो है कालांतर में सिद्ध हो जाता है, अथवा यूँ कह लीजिए कि मुमुक्ष जो है वो मुक्त हो जाता है। तो वो सदा से अनादिकाल से बद्ध था, लेकिन अब वो बद्ध नहीं रहा जब मुक्त हो गया। अच्छा, अब मुक्त होने में कई प्रकार होते हैं,
एक तो होता है कैवल्य मोक्ष, जो सायुज्य मोक्ष को प्राप्त किया वो मुक्त हुआ। तो वो ऐसे हो गया जैसे महासागर में कोई एक जलबिंदु मिल गया, अब उसकी सत्ता खत्म हो गई। अब वो अपने को सागर तो कह सकता है लेकिन जलबिंदु नहीं कह सकता है। अपने को वो जलबिंदु जो पहले सागर में मिला नहीं था, जलबिंदु अपने को कहता था। आप सागर में मिलने पर अपने को जलबिंदु नहीं कह सकता है, या तो ये कह लीजिए कि सत्ता खत्म हो गई, और या ये कहिए कि वो सागर हो गया। तो अब वो सागर बन गया, वो जलबिंदु जो है मुक्त होने के बाद, तो अब वो पृथकता उसकी नहीं हो सकती है, पार्थक्य उसमें नहीं हो सकता है, इसलिए वो जीव का नाम ही खत्म हो गया, वो परम ब्रह्म में लीन हो गया, इसलिए वो नित्य जीव नहीं हो सकता है। तो नित्य जीव कौन होता है? एक तो नित्य जीव वो होते हैं जो भगवत पार्षद होते हैं, जो भगवान के अवतार के टाइम में भगवान के साथ आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लीला में सहयोग करते हैं। दूसरे नित्य जीव वो होते हैं जो पहले बद्ध थे, फिर मोक्ष हुए, मुमुक्ष के बाद वो मुक्त हुए, लेकिन उनको मुक्ति सायुज्य की नहीं दी गई, कैवल्य की नहीं दी गई, उनको सामीप्य मोक्ष दिया गया। सामीप्य मोक्ष, सालोक्य का मोक्ष दिया गया या सारूप्य का मोक्ष दिया गया। तो वो भगवान की सेवा में पहुंच जाते हैं, तो भगवान की सेवा में पहुंचने के बाद वो नित्य जीव हो जाते हैं। वही पहले बद्ध जीव था, अब वो नित्य जीव हो गया। अब उदाहरण के रूप में समझने के लिए बता रहा हूँ मैं कि नारद जी महाराज नित्य जीव हैं, नारद जी भगवत पार्षद हैं, नित्य जीव हैं, किंतु उनकी कथा भागवत पुराण में मिलती है कि पहले वो एक दासी के पुत्र थे। वो दासी संतों के यहाँ कुछ चूल्हा चौका का काम करती थी, तो संतों का प्रसाद पाने से वो बच्चा जो पूर्व बाद में नारद बनता है अगले जन्म, वो बच्चा संतों के प्रसाद, संतों का संग, संतों का उपदेश, संतों की वाणी, कीर्तन भजन कथा सुनते सुनते वो बद्ध से मुमुक्ष हो गया, और मुमुक्ष से वो अगले जन्म में स्वयं ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि में ब्रह्मा जी के दिव्य देह से प्रकट हुआ, और तब उस बच्चे को नारद नाम दिया गया। अब आप कह सकते हैं कि पहले वो बद्ध था, दासी का पुत्र था, बहुत छोटी जाति का था, बहुत अज्ञानी था, लेकिन संतों की कृपा से, भगवत कृपा से साधना का फल उसको प्राप्त हुआ कि कालांतर में अगले जन्म में वो मानस पुत्र, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र वो हुआ वो बच्चा, और देवर्षि नारद कहलाए वो। तो अब पहले तो था वो शुरू से नहीं कहा जाएगा, अनादिकाल से बद्ध था, लेकिन वो फिर हो गया मुक्त जीव, और मुक्त जीवों में वो नित्य जीव की श्रेणी में पहुंच गया, जो अब जब भी भगवान का अवतार होगा तो नारद जी उसमें आते हैं, भगवान की लीला में सहयोग करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये नित्य जीवों को बद्ध की जैसी लीला भगवान थोड़ी देर के लिए कराते हैं, लेकिन वो बद्ध होते नहीं। जैसे नारद जी के मोह की कथा आती कि नारद जी को मोह एक बार हुआ था, तो मोह थोड़ी देर के लिए भगवान की स्वजन मोहिनी माया के द्वारा हुआ था। भगवान अपने खास जनों को, अपने पार्षदों को लीला में बिल्कुल मर्ज कर देने के लिए, निमग्न कर देने के लिए एक ऐसी सरस मोहिनी माया डालते हैं जो स्वजन मोहिनी कहा जाता है, कि उस जीव को भगवान के इशारे के अनुसार काम करना होता है। तो वो नित्य जीव भी कभी कभी बद्ध जैसे दिखलाई पड़ते हैं। जैसे नारद जी शादी करना चाहते थे, किंतु उनको कुछ ही देर के बाद ये ज्ञान हो गया, तो भगवान के चरणों में गिर करके वो क्षमा मांगने लगे कि मैं प्रभु मोह में पा गया था। तो भगवान ने कहा कि ये मोह तुमको खुद नहीं हुआ था, ये मेरी इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ था, मम इच्छा कह दीन दयाला। तो जो बद्ध था, यदि उसको सुसंग प्राप्त हुआ तो सदा बद्ध नहीं रहेगा, वो अनादिकाल से बद्ध था लेकिन आगे हमेशा बद्ध रहेगा ये बात नहीं है। यदि उसको सुसंग मिले, साधना मिले, गुरु
और भगवान की कृपा मिले तो बद्ध जीव मोक्ष हो जाता है, मोक्ष से मुक्त हो जाता है। यदि वो साकार उपासना में है तो वो ऐसा मोक्ष प्राप्त करता है जिसमें भगवान की इच्छा अनुसार वो भगवत पार्षद बना लिया जाता है। जब वो भगवत पार्षद हो जाता है तब वो नित्य जीव की श्रेणी में पहुंच जाता है और नित्य जीव हो जाने के बाद वो भगवत लीला में सहयोगी बन जाता है, भगवान की लीला में सहयोग करता है और भगवान उसको बहुत प्रेम से अपना पार्षद बना करके आनंदित होते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। अभी जितना आवश्यक था मैंने बता दिया, अभी थोड़ी देर के बाद और इस विषय में कुछ बताऊंगा। राधे राधे। यदि कोई बद्ध जीव जो अनादिकाल से बद्ध था वह आगे भी बद्ध ही रहे तो सारा उपदेश, साधना, गुरु और भगवान की कृपा ये सब बेकार सिद्ध हो जाएगा। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि कोई बद्ध जीव पहले था और आगे भी बद्ध ही रहेगा। अच्छा, दूसरी बात नित्य जीव वाली, नित्य जीव शुरू से ही क्या नित्य जीव थे ये प्रश्न है। तो शुरू से शब्द यहाँ ठीक नहीं है, अनादिकाल से कहा जाएगा। अनादिकाल से नित्य जीव भागवत पार्षद होते हैं, किंतु उन भागवत पार्षदों की संख्या में वृद्धि भी होती है। आप जैसे आप सनकादि मुनि को कह लीजिए सनक सनन सनातन सनत कुमार, ये भागवत पार्षद हैं नित्य जीव, नारद जी नित्य जीव हैं, किंतु भगवान कृष्ण की लीला में ऐसे भगवान के सखा भी आते हैं जिनका गर्ग संहिता आदि में वर्णन है कि उसने उस जगह तप किया था तो भगवान का सखा बना, उसने उस जगह इतना तप किया तो भगवान का सखा बना। तो भगवान का जो प्रिय सखा होता है या राधा रानी की प्रिय सखी होती है वो नित्य जीव होते हैं, किंतु वो नित्य जीव की संख्या बढ़ती रहती है। तात्पर्य हुआ कि नित्य जीव कभी बद्ध जीव तो नहीं होता, नित्य जीव तो हमेशा नित्य ही रहता है, नित्य मुक्त है वो, उसका ऐसा पतन नहीं हो सकता कि वो बद्ध हो जाए। थोड़ी देर के लिए भगवान की लीला में ऐसा हो सकता है लेकिन फिर वो नित्य का नित्य ही हो जाता है, अर्थात बद्ध की लीला दिखलाई पड़ती, बद्ध होता नहीं। किंतु जो बद्ध जीवों में से श्रेष्ठतर होते गए, श्रेष्ठतम हो गए, वो नित्य जीव हो जाते हैं। तो इसमें साधना का सुफल, गुरु कृपा का फल, भगवत कृपा का फल और आत्मकृता कृपा अर्थात अपनी साधना, अपना पुरुषार्थ, ये सब मिश्रित होता है। तो जीव का जीवत्व जो हम कहें निराकार निर्गुण साधना के हिसाब से, तो मुक्त होते ही जीवत्व समाप्त हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म की भावना करते करते वो ब्रह्म हो जाता है। किंतु सगुण साकार उपासना में वो अपने को भगवान का दास मान लेता है, जैसे हनुमान जी अपने को दास मानते हैं, तो ऐसे ही नित्य जीव भगवान का दास मानता है अपने को और भगवान की इच्छा अनुसार ही उसके अंदर भगवदी शक्ति प्रकट होती रहती है। भगवान की शक्ति प्रकट होती है, भगवान का ही कार्य करता है और उसको सामान्य प्राणी समझ नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी सामर्थ्य अपरंपार होती है, असीमित होती है, उसका ज्ञान असीमित होता है, उसकी शक्ति असीमित होती है। तो जो पुरुष होते हैं, नित्य जीव जो होते हैं, वो भगवान के अपने होते हैं। कोई भी जैसे हम आप सभी लोग भक्ति करने से अभी तो नहीं लेकिन कालांतर में नित्य जीव बन सकते हैं, भगवान की कृपा से नित्य जीव की श्रेणी में हम लोग पहुंच सकते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति बहुत प्रेम से भाव से करनी चाहिए और प्रभु की कृपा का विश्वास करना चाहिए, हमेशा उनकी कृपा का दर्शन करना चाहिए, तो हम बद्ध जीव होने पर भी बद्ध नहीं रहेंगे, साधक बन जाएंगे और मुक्त जीव हो जाएंगे, नित्य जीव हो जाएंगे,
सब कुछ प्रभु की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। श्री राधे राधे।